शैतान की औलाद को अपना बेटा बनाया है तुमने, चाहकर भी उसकी हैवानियत को कम नहीं कर सकती। उसने अपना खेल तो शुरू कर दिया, अब ये बाजी दुनिया के अंत के साथ ही खत्म होगी। क्या कर लोगे तुम? हाँ? कुछ नहीं कर पाओगी तुम। शैतान, यही शक था ना, यही सुनना चाहती थी ना तुम? कुवरानी सा, एक तरफ माँ बनने का शौक है, ममता दिखाती हो, दूसरी तरफ अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोचती हूँ। क्या किया मन ने जो देखा उसने वही किया। कुंवर सा ने क्या किया था जब आपको खून निकला था? बस मन ने वही देखा और वही किया। वो बेचारा मदद करने गया और मानसी बेहोश हो गए, उसमें उसकी क्या गलती? एक छोटी सी गलती के वजह से आपकी नजर में वो हैवान बन गया। क्या कुवरानी सा, समझ सकती हूँ, गोद लिया हुआ बच्चा है ना, ना बच्चा होता तो दुनिया से लड़ लेती ना। खैर, गैर का बच्चा है, ममता कैसे दिखाओगी तू? ममता तो सिर्फ मुझे है उसके लिए, माँ हूं ना उसकी। देखिए, मैंने प्रभु की कृपा से आपकी बेटी के शरीर से जहर निकाल दिया है। आप अपनी बेटी के घाव पर गंगा जल लगाते रहिएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो वो जहर पूरे शरीर में फैल सकता है, फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी। पैदा नहीं किया है लेकिन यशोदा तो हूं ना उसकी, बचाया था ना उसे। और पता है कुवरानी सा, मां से पहले मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूं, इसीलिए समझती हूं उसे कि क्यों उसने मानसी को काटा, इसमें इस बेचारी की क्या गलती। वो तो उसके परवरिश का नतीजा है। मैं तो उस परवरिश की बात कर रही हूं जहां से वो आया है। लोग बात करते हैं ना, तो मैंने सुना था पिंजरे में बंद था, पता नहीं क्या सीखा होगा, अब जो सीखा है वही करेगा ना कुवरानी सा, उसमें मन की क्या गलती। हालात ही कुछ ऐसे थे। अरे अरे कुवरानी सा, कुवरानी सा अपना दिल छोटा मत करिए, संभालिए अपने आप को। रिक्वेस्ट है आगे से, प्लीज आ मन के बारे में
ऐसे ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए हो। मन और मानसी को मिलने से मना क्यों किया? शिकारी का पहला शिकार उसे सबसे प्रिय होता है। शिकारी शिकार से शक्तियां छीनता नहीं बल्कि कुछ शक्तियां दे देता है। मन और मानसी का मिलना नामुमकिन होना चाहिए। ऐसे में अगर मन और मानसी एक हो गए तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मानसी तुम्हारे ले लाओ। मन पर हमने इल्जाम लगाया तो बेचारा गिल्ट में आकर मानसी का नाम ले रहा है। मानसी से मिलवाना ही पड़ेगा। पहले राम को फोन करती हूँ ताकि वो डॉक्टर बुलाए। बेटा मैं अभी आती हूँ। मन की शक्तियां बढ़ रही है जिन्हें संभाल नहीं पा रहा है। पहली बार इंसानी खून चखा है, असर तो होगा ही। देख लो दुनिया वालों, चुड़ैल के बेटे का कमाल। मानसी को मुझसे दूर लेके जा रहे हैं। बेटा वो तो दूर हो गई, अब तक तो मर चुकी होगी। मन इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मन Thank you.
मानसी को कुछ नहीं हो सकता, वो मेरी दोस्त है। मन, मन कहाँ जा रहे हो? मन! हाँ राम, मैंने डॉक्टर को फोन किया है, तुम भी प्लीज फौरन आ जाओ। ओके, गोपिका, मन कहाँ है? गोपिका, मन कहाँ है? अरे कुवरानी सा, आप भी मन को ढूंढ रही हो? मैं भी मन को ढूंढ रही हूँ, मैंने तो देखा ही नहीं उसे। आपने देखा? राम, मन कहीं मिल नहीं रहा है। तुम प्लीज टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ, मन मिल जाएगा। ये गाड़ी अब सीधा मुंबई में रुकेगी। मम्मी, लास्ट टाइम प्लीज। मानसी बेटा, नहीं मिल सकते आप। नो यू कांट। मान, मान। ऐसा हमने तो नहीं देखा। चोट तो नहीं आई ना? नहीं। हम कौन तुमसे? सिया, क्या हुआ था यहाँ पर? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा एक्सीडेंट,
और एक भी खर्च नहीं आई इसे। डॉक्टर प्लीज ठीक से चेक कीजिए ना। वो रानी सब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मन बिल्कुल ठीक है, इसे बिल्कुल चोट नहीं आई। हाय द्वारका दी, तारा लाख लाख शुक्रिया। देखा कुबरानी सा, मैंने कहा था ना, मन बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं ठीक हूँ। एक भी खरोच नहीं आई। इस औरत को भी ना चैन नहीं है, बात बात पे शक करती रहती है। कुबरानी सा, आपको क्या हो गया है? खुशी की बात है कि मन को कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन आप दुखी हो रहे हो। शट अप। जब तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आए तो उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मन की माँ मैं हूं और उसकी कितनी फिक्र मुझे है या कितनी नहीं, वो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राम राम क्या हुआ मन को, फिर से कुछ हुआ क्या? नहीं वो ठीक है। तो क्यों परेशान हो? अभी थोड़ी देर पहले मन को 111 डिग्री बुखार था। 111? सिया क्या बात कर रही हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। थर्मामीटर खराब होगा सिया, तुम्हें कुछ गलतफहमी है। थर्मामीटर खराब नहीं था राम, टेम्परेचर 111 डिग्री था और उसके बाद थर्मामीटर फट गया। थर्मामीटर कैसे फट सकता है सिया, तुम कुछ भी बोल रही हो ना अभी, ये पॉसिबल कैसे बताओ? हमारे हिसाब से तो एक बच्चा दूसरे बच्चे का खून चूसे वो भी पॉसिबल नहीं है। मन ने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने मानसी का खून चूसा है और एक बार शुरू करने के बाद वो खुद को रोक भी नहीं पाया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था राम, वो कार कितनी तेज मन को टक्कर मार के गई थी। नहीं नहीं नहीं, सिया वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं सिया, सिया, तुम परेशान हो रही हो, तुम ज्यादा सोच रही हो, तुम ज्यादा सोच रही हो। मन बिल्कुल ठीक है ना? राम मैं कह रही हूँ कि कहीं बहुत बड़ी कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं, देखो मन आराम कर रहा है तो हम भी आराम करते हैं, चल के तुम एक बार मेरी बात तो सुनो राम। सिया सब ठीक है। बेटा मेरे बच्चे, मेरा सोना बेटा, कैसा लग रहा है अब? मन सोना बच्चा, आपने मेरी बात मानी, मुझे मानसी से मिलवाया, देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे में अब स्पेशल पावर्स आ गए, एक बार उन स्पेशल पावर्स को संभालना तुम सीख जाओ, मैं खुद लेके जाऊंगी तुम्हें मानसी के पास। प्रॉमिस। ओके। गोपिका, कुबरानी साहब यहाँ क्या कर रही हो? वो खाना लग गया है, जाओ जाके खा लो। सारू मैं मन को यहीं खिला देती हूँ।